मुझे आप लोगों का सबका मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव यू गाइस। और हाल ही में जो इविक्शन हुआ उमर रियाज का, आपका भी इविक्शन काफी अनफेयर था और उमर रियाज का इविक्शन, तीन घंटा वेट करते हुए हो गया यहाँ पे। यहाँ पे चलो 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 जी, बस बस जी, क्या कर रहा है। देखिए, अगर गलत इविक्शन होता है तो ऑडियंस को सबको बुरा लगता ही है, बट वो यहाँ तक पहुँचे, दैट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड बाकी सब जितने भी 17 मिलियन ट्वीट्स आए थे उसमें लिखा था उमर रियाज इज अ विनर। सो आपको क्या कहना था, आप काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे और आपने उस इंसिडेंट भी देखा जब प्रतीक करण कुंद्रा ने प्रतीक को धक्का दिया और ये नॉर्मल धक्के में उनको निकाल दिया, तो क्या लगता है कि एक बायस डिसीजन है और बिग बॉस सिर्फ करण कुंद्रा और तेजस्वी को सपोर्ट करता है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, जब वो लोग आएंगे तो उनसे बात करिएगा, बट मैं आप रिटर्न जाने वाले हो कि दो का प्यार है यार, बस मुझे वो जो जिनको भी जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है वो जीते, ऑब्वियसली दैट विल बी द मोस्ट फेयरेस्ट, करण कुंद्रा। और आपका पर्सनल फेवरेट कौन है वो घर घर से आप सबसे क्लोज थे उस घर पे? मेरे पास क्या बोले तो मैम आपका पर्सनल फेवरेट कौन है उस घर को, काफी क्लोजली आपने देखा? देखिए, मुझे निशांत बहुत पसंद है, वो बहुत इंटरटेनिंग है, मुझे अच्छा लगता है, सो बट मे द बेस्ट पर्सन विन। और हाल ही में एक मैगजीन में आपका वो फोटो भी बना है, पावरफुल गर्ल का खिताब नाम दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैम? आप लोगों का प्यार है यार, मैं जितना भी अपनी शिद्दत से अपनी मेहनत से कर रही हूँ, बस दैट्स द बेस्ट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता है। एंड लास्टली, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? समिता शेट्टी और तेजस्वी पे काफी बड़ा झगड़ा हुआ, तो उसके बारे में ठीक है, बस आप लोग इंटरटेन होते रहिए, आप लोगों को पूरी जनता को मजा आए और सब लोगों को प्यार मिले, हमको प्यार मिले, दैट्स ऑल, कि हम लोग अच्छा काम करते रहे। चलो बाय बाय, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू, बहुत खूबसूरत हो आप, ऐसे ही रहना।